हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रिशा, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी यहाँ पे आज वीकेंड है, आज यहाँ पे सैटरडे है, तो फिर अभी हम लोग ग्रॉसरी करके आ रहे हैं। ग्रॉसरी नहीं, कुछ कुछ चीज़ें बहुत कमी चीज़ हैं लेनी थी, वो लेने गए थे। और मुझे एक लड्डू बनाना था इनके लिए, तो फ्लैक्स सीड्स जो होता है जिसका लड्डू मैं बनाती हूँ, मुझे सूट नहीं करता है, तो मैं अपने लिए अलग से बनाती हूँ। अभी फ़िलहाल आज मैं फ्लैक्स सीड का ही बनाने वाली हूँ। तो वो ख़त्म हो, वो नहीं था घर पे, वो लेना था, और कुछ कुछ सामान और था वो लेके आए। तो हम लोग इसके लिए ही गए थे कि लड्डू का सामान नहीं है, और साथ में कुछ कुछ और ले लिए थे। तो अभी मैं दिखा देती हूँ सबको, मैं थोड़ा सा क्लीन की हूँ। और यहाँ पर मैंने लिया है टमाटर, एप्पल का एक बंच, और दूध का डब्बा ख़त्म हो गया था वो ली हूँ, और साथ में एक ब्रेड, और ये पत्ता गोभी एक, और ये लेना था मुझे दालचीनी का पाउडर, तो वो एक पाउडर ही ले ली हूँ मैं, वॉलमार्ट से मिलता है ये सब वहाँ पर। और ये है सौंठ जिसको बोलते हैं, जिंजर पाउडर, तो फिर ग्रैंड जिंजर है पूरा, तो इसको सौंठ टाइप ही, इंडिया में इसको सौंठ ही बोलते हैं। और ये है फ्लैक्स सीड्स, मैं भी इसका सीड्स नहीं ली हूँ, पाउडर ही ले ली हूँ। और सीड्स भी मिल रहा था, तो मुझे बनाना था लड्डू, तो मैंने नहीं लिया फिर वो। और इन सबको अब मैं अपनी जगह पर रख दूँगी, जो जहाँ भी रखा जाएगा। उसके बाद मैं लड्डू का सारा सामान निकाल लेती हूँ, और जो भी लड्डू बनाना है उसको मैं कहीं फ्रिज वगैरह में नहीं रखूँगी, क्योंकि मुझे अभी जस्ट तुरंत ही काम है। तो यहाँ पर मैं सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी लड्डू में मैं डालूँगी, अभी मैं सारा सामान निकाल लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। और सारा सामान निकाल के रखे रहूँगी तो बनाना भी इजी रहता है, नहीं तो फिर लगता है ये भूल गए वो भूल गए, जगह जगह से निकालनी पड़ती है। तो और वीडियो भी शूट करो तो लगता है कि एक जगह निकाल लो, तो फिर बताने में भी इजी रहता है कि क्या है, क्या क्या से डाल रहे हैं इसमें। तो एक जगह मैं निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या निकाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है काजू, बादाम, थोड़ी सी मूंगफली, और ये लिया है डेढ़, थोड़ा सा इसमें बीज नहीं है, अगर आपका बीज हो तो आप निकाल के फिर उसको रख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया थोड़ा सा आटा, बेसन, और ये फ्लैक्स सीड्स पाउडर है, थोड़ा सा गुड़, और ये है सौंठ। इन सबको सारों को मिक्स करके मैं एक लड्डू बनाऊंगी, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रहता है, विंटर के लिए बहुत ही हेल्दी रहता है। तो यहाँ पे मैंने बादाम, मूंगफली और काजू को थोड़ा सा रोस्ट करूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं रोस्ट करना, हल्का सा रोस्ट करूंगी। और जब तक वो रोस्ट होगा तब तक मैंने खजूर को छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। अब इसको मैं जब 2 मिनट रह जाए, इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा इसको भी रोस्ट करना है, तो जब 2 मिनट आपका बचे तो उसके पीछे से आप ऐसे ही इसको डाल दीजिए खजूर को, तो वो भी भुन जाएगा। और ये सबको भुनने के बाद में मैं एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ, और ये ठंडा हो जाएगा, तो फिर उसके बाद मैं इसको मिक्सर में डाल के पीस लूँगी अच्छे से। आप चाहो तो इसको ऐसे फोड़ भी सकते हो, पीसेस में कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको दरबरा पीसूँगी और थोड़ा सा एकदम मिक्स पाउडर कर दूँगी। अब उसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा तेल, सॉरी घी डाली हूँ, देसी घी, और उसमें मैं बेसन जो निकाली थी और आटा जो था, आप इसमें सूजी भी डाल सकते हैं, उसको मीडियम आंच में, बहुत मीडियम आंच पे भूनिए। और यहाँ पे जब तक मेरा भून रहा है तब तक मैं गुड़ को छोटा छोटा पीस कर ली थी, और मिक्सर में डाल के उसको पाउडर की तरह बना ली थी, इससे इजी हो जाता है मिक्स करना। और इसमें भी बहुत टाइम लगा मुझे, क्योंकि ये गुड़ यहाँ का थोड़ा सा हार्ड था एकदम, तो वो तोड़ने में मुझे बहुत टाइम लगा। तो यहाँ पे सब कुछ मेरा रेडी हो गया है, मैंने ये आटा भी भून लिया है और गुड़ भी निकाल के पीस ली हूँ बारीक, और इस मिक्स ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छे से पीस ले रही हूँ। इसमें मैंने एक दरबरा थोड़ा सा पीसा है और एक एकदम पाउडर कर दिया है, तो थोड़ा सा पाउडर रहेगा तो उस अच्छे से लड्डू बनते बनेगा, और थोड़ा सा पीसेस रहेगा तो जो मुँह में आता है ऐसे ही लड्डू खाते टाइम, तो वो अच्छा लगता है। यहाँ पे मेरा आटा भी भुन गया, और आटे को आप बहुत मीडियम फ्लेम में करिए, बहुत तेज फ्लेम आँच में भुनेंगे तो फिर वो जला जला उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है, और एकदम आँच कम में भूजेंगे उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और वो मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है, बड़े बर्तन में निकाला, जिसमें मैं सब कुछ मिक्स करके लड्डू बना सकूं। और यहाँ पे मैं आधा फ्लैक्स सीड्स ले रही हूँ, ये मेरा हाफ केजी था, तो मैं यहाँ 1 पाव के अंदाज से ले ली थी, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है तो ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दो, तो पिछली बार मैं बनाई थी ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दी थी, तो फिर मुझे ऐसे खाते टाइम खुजली होने लगती है अगर 1-2 ज़्यादा खा लिए तो। और ये सारा सामान मेरा रेडी हो गया है, और एक साइड में बना रही हूँ चाय, और गैस की हालत देखिए ऐसी हो गई है। और ये सब मेरा थोड़ा सा भी बहुत ज़्यादा गर्म है, आटा भी बहुत गर्म है, फ्लैक्स सीड जो मैं भुनी थी वो भी बहुत गर्म है, तो थोड़ा सा इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं, और तब तक चाय पी लेते हैं। चाय पी के आती हूँ तो फिर इसको सारा मिक्स करके फिर बनाती हूँ।
तो अभी चलिए चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद मैं किचन में आती हूँ तो लड्डू मिक्स करती हूँ और बनाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी चाय वगैरह हो गई है और अब मैं, ये थोड़ा ठंडा हो गया, थोड़ा सा गर्म है क्योंकि लड्डू आप गरम गरम बांधते हैं तो जल्दी जल्दी बन जाता है, बिल्कुल ठंडा हो जाता है तो बांधना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैंने आटे में फ्लैक्स सीड्स डाला है, थोड़ा सा सौंठ जो था वो डाला है, ड्राई फ्रूट्स और गुड़, सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। और लास्ट में मैंने थोड़ा इसमें हनी डाला है। अच्छे से मिक्स करने के बाद में आपको जितना स्वीट लगे, क्योंकि गुड़ बहुत ही कम था तो फिर ये हनी मैंने डाल दिया है, और इससे आपका लड्डू बनता भी बहुत अच्छा है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, स्वीट भी बहुत अच्छा आता है और हेल्दी भी साथ में होता है। तो यहाँ पे मैं सारा मिक्स हो गया है और मैं एक बड़े बर्तन में ले ली हूँ और एक एक करके बना लेती हूँ लड्डू। ये भी बनाने में थोड़ा मुझे टाइम लगा क्योंकि अभी यहाँ शाम हो गई, अभी मुझे खाना वगैरह भी बनाना है, तो आज मुझे लगा पहले ये कर लेती हूँ, नहीं तो ये काम छूटा रहता तो आज करेंगे कल करेंगे नहीं होता, और खाना तो बन ही जाएगा फिर रात का खाना। तो ये सारा मेरा बन गया है। अब मैंने कांच का एक बॉटल, दोपहर में ही दो बॉटल साफ कर ली थी भरने के लिए। कांच के बॉटल में आप भरिए ना तो चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक चलती हैं, उसमें स्मेल जल्दी नहीं आती है, और प्लास्टिक के बर्तन में और किसी और थोड़ी से एयर टाइट बर्तन ना हो तो उसमें जल्दी से स्मेल आने लगती है। और कांच का बर्तन बहुत अच्छा, देखने में भी अच्छा लगता है, और पहले के लोग जार वगैरह में रखते थे जो चीनी मिट्टी के जार आते हैं, उसमें चीज़ें लंबे टाइम तक चलती हैं, और जैसे कांच के बर्तन में भी लंबे टाइम चलती हैं। प्लास्टिक के बर्तन मुझे उतना अंदाज़ा नहीं क्यों नहीं चलता है, बट नहीं चलता है उतना। तो यहाँ पे मेरा लड्डू भी रेडी हो गया है, और ये मैं आज स्वेटर पहनी थी जो बनाई थी, और दो तीन वीडियो से मैं दिखा रही हूँ कि कैसा बन रहा है, तो आज कंप्लीट मुझे लगा चलो बन गया है तो पहन के यही वाला पहनते हैं और वीडियो में दिखाती हुई हूँ कैसा लग रहा है। और उसके बाद देखिए अभी खाना वाना का टाइम हो गया और बर्तन इतने सारे हो गए हैं, सारे ऑयली बर्तन, मुझे क्लीन करने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड यहीं करती हूँ। आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।